तो हेलो शिक्षक साथियों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप बहुत 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 अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो जब हम तैयारी की बात कर रहे होते हैं तो तैयारी में हमारे पास बहुत सारे सिलेबस हैं और बहुत ही कम टाइम में बहुत सारे सिलेबस को कवर करना होता है। तो बहुत सारे सिलेबस को कवर करने के लिए हम लोगों को क्या करना होता है, बहुत सारे MCQs को जब हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं वो जो क्वेश्चन है या फिर जो हमारा टॉपिक है वो क्लियर होता हुआ चलेगा कि हम लोगों ने कहाँ तक अभी तैयारी करी है। साथ साथ में अब तैयारी के संदर्भ में हम लोग ये बात करते हैं कि जब हमारा वन लाइनर चलेगा तो वन लाइनर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल करता है कि आप एक तरह से तैयारी बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कह रहा है कि हम जब बात कर रहे हैं तैयारी की तो तैयारी में हमारे पास क्या क्या सिलेबस है, सिलेबस के हिसाब से तैयारी करना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि कहीं से भी कुछ भी उठा के पढ़ लेना, वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं हो सकता है, हमारे तैयारी का हिस्सा नहीं हो सकता है। तो हमने क्या किया कि इससे पहले हिस्ट्री के बारे में पढ़ा था, ठीक है, इससे पहले किसके बारे में पढ़ा था, हिस्ट्री के बारे में पढ़ा था, फिर पॉलिटी के बारे में पढ़ा, ठीक है, पॉलिटी के बारे में पढ़ा, पॉलिटीज के बहुत सारे एमसीक्यूज किए, बहुत सारे वन लाइनर किए, साथ साथ में हिस्ट्री के बहुत सारे एमसीक्यूज और वन लाइनर किए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आज का हमारा टॉपिक है ज्योग्राफी। आज का हमारा क्या टॉपिक है, ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी के वन लाइनर्स को बहुत सारा करेंगे, मतलब 100+ वन लाइनर को करेंगे। क्या करेंगे, 100+ वन लाइनर को करेंगे। तो जब 100+ वन लाइनर की बात होगी तो उम्मीद करेंगे कि आपको ये सारा टॉपिक क्लियर समझ में आएगा। और साथ साथ में जब ये वन लाइनर 100+ वन लाइनर की बात होगी तो इसमें कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कि आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये जो हमारा वन लाइनर का सीरीज है वो आज हमारा डे वन है। आज हमारा क्या है, डे वन है वन लाइनर के सीरीज में। और यही चीज हमारा और भी कंटिन्यू 4 दिन 5 दिन चलेगा, जहां पर कम से कम आपके सामने 1000+ वन लाइनर आएंगे, 1000+ वन लाइनर आएंगे। तो जब 1000+ वन लाइनर की बात होगी, जब 1000+ वन लाइनर की बात होगी तो 1000+ वन लाइनर में, 1000+ वन लाइनर में कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके एग्जाम में आपको दिखाई दे देगा। ठीक है, तो ये हमारा आज का रहा। तो जहां पे हम प्रधान शिक्षक की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, प्रधान शिक्षक की बात करते हैं, तो इसका जो सिलेबस है, सिलेबस में हिस्ट्री की बात करेंगे तो हिस्ट्री में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है साथ में, या फिर बोल सकते हैं कि गांधी युग है। फिर पॉलिटी की बात करते हैं तो पॉलिटी है, और हमारा क्या है, ज्योग्राफी है। तो ये ज्योग्राफी का आज सेशन स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से आ जाइए, देखिए ज्योग्राफी आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएगी। ठीक है, हम ज्योग्राफी की जब बात करेंगे तो ये हमारा आज का वन लाइनर सीक्वेंस सीरीज होने वाला है। क्या होने वाला है, वन लाइनर सीरीज होने वाला है। तो सबसे पहले जब ज्योग्राफी की बात होती है तो हम क्या बात करते हैं कि भू आकृति, किसकी बात करेंगे, भू आकृति विज्ञान, या फिर जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जियोमोरफोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, जियोमोरफोलॉजी कहते हैं। का जन्मदाता किसे माना जाता है, तो ये इसके जन्मदाता कौन है, पेसेल है। कौन है, पेशल है। साथ साथ में आगे बढ़े तो प्रसिद्ध भौगोलिक ग्रंथ किताब उल हिंद के लेखक कौन है, तो अल बरूनी है। कौन है, प्रसिद्ध किताब या प्रसिद्ध भौगोलिक किताब जो है, प्रसिद्ध भौगोलिक किताब या भौगोलिक ग्रंथ जो है ना, किताब उल हिंद के लेखक कौन है, तो हमारे अल बरूनी है। साथ में आगे बात करें अगले क्वेश्चन पे, तो अगले क्वेश्चन पे हम क्या देखते हैं कि वायु में आपेक्षिक आर्द्रता मापन हेतु कौन सा उपकरण का उपयोग किया जाता है। मतलब वायु में जब हम आर्द्रता के मापने की बात करते हैं, वायु में आर्द्रता मापने की बात करते हैं तो हमारा किसकी बात होता है, ये हम लोग हाइड्रोग्राफ से इस्तेमाल करते हैं। किससे, हाइड्रोग्राफ इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, आर्द्रता को माप सकते हैं हमारे वायु में। आगे देखें, रिएक्टर स्केल का प्रयोग किस लिए किया जाता है, रिएक्टर स्केल का प्रयोग किस लिए किया जाता है, ये भूकंप को मापने के लिए किया जाता है रिएक्टर स्केल। साथ में भूकंप को मापने की बात करें तो वो भूकंप इपिसेंटर, ठीक है, जहां से भूकंप उठता है वो हमारा इपिसेंटर कहलाता है। क्या कहलाता है, इपी सेंटर कहलाता है। और भूकंप इस तरह से वेव में आगे बढ़ता है, भूकंप इस तरह से वेव में आगे बढ़ता है, और कितने स्केल पर भूकंप आया है उस चीज को मापना, या फिर उस स्केल पर जब किसी स्केल पर जब मापते हैं तो इस स्केल को क्या कहते हैं, हम लोग रिएक्टर स्केल कहते हैं। ठीक है, तब आगे बढ़े, आगे देखते हैं कि भूकंप के एक ही समय पर आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, भूकंप के एक ही समय पर आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, तो ये हमारा क्या है, होमोसिस्मल है। क्या है, होमोसिस्मल है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे बात करें तो समान चुंबकीय झुकाव, समान चुंबकीय झुकाव वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा
क्या कहलाती है? समान चुंबकीय झुकाव वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो यह हमारा कहलाता है आइसोगोनल। क्या कहलाता है? आइसोगोनल कहलाता है। इसी के साथ आगे बढ़े तो सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी कब होती है, मतलब सूर्य और पृथ्वी के बीच की सबसे कम दूरी, या फिर सबसे, जब सूर्य और पृथ्वी एक दूसरे का भ्रमण करते हैं, एक दूसरे का चक्कर लगाता है, ठीक है, तो क्या होता है कि इस दोनों के बीच की दूरी सबसे कम कब होती है? तो मान के चलिए कि ये हमारा सूर्य है और ये हमारा क्या है, पृथ्वी है। तो पृथ्वी क्या होगा कि ये सूर्य हो गया और ये पृथ्वी जब यहां पे आ जाएगा तब जाके इस दोनों की दूरी बहुत ही कम हो जाएगी। तो ये किस डेट को होता है? तो ये जो डेट है हमारा 3 जनवरी को होता है। कितने को होता है? 3 जनवरी को होता है सूर्य और पृथ्वी के बीच सबसे कम दूरी। ठीक है, आगे बात करें तो सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो शनि है। आप लोग फटाफट कमेंट में बताइएगा कि पहला ग्रह कौन है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है वो हमारा कौन है, बृहस्पति है। कौन है? बृहस्पति है। आगे बात करें सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है, सूर्य के सबसे दूर ग्रह कौन सा है? तो सूर्य के सबसे दूर ग्रह कौन होगा, वरुण होगा। तो जब हम सोलर सिस्टम की बात करते हैं तो सोलर सिस्टम में, ठीक है, कितने ग्रह आते हैं आप लोग फटाफट बताइएगा कि कितने ग्रह आते हैं सोलर सिस्टम में। ठीक है, तो जब हमारे सोलर सिस्टम का मुखिया या फिर प्रधान की बात करते हैं तो वो सूर्य होता है और उसके इर्द गिर्द ही सारे के सारे ग्रह घूमते हैं और सबसे जो दूर या फिर बोल सकते हैं जो सबसे आखिरी ग्रह है वो हमारा कौन है, वरुण है, जो कि सूर्य से सबसे ज्यादा दूरी पे होता है, सबसे ज्यादा दूरी पे होता है। ठीक है, तो आगे बात कर ले अगले क्वेश्चन पर, सौर मंडल का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो सूर्य को माना जाता है। अभी मैंने बताया आपको कि सूर्य को सौर मंडल का क्या माना जाता है, मुखिया माना जाता है या प्रधान माना जाता है या फिर उसको हम लोग क्या कहते हैं, जन्मदाता भी कहते हैं। ठीक है, तो जब सौरमंडल की बात करते हैं या फिर हमारे गैलेक्सी की बात करते हैं तो ये बना कैसे, तो बहुत सारे साइंटिस्ट बहुत सारी चीजें बताते हैं। तो कहा जाता है क्या कि जब दो बहुत ही बड़े ग्रह आपस में आकर टकरा गए, ठीक है, जिसको हम लोग बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। क्या कहते हैं? बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। तो जिसके वजह से जो भौगोलिक घटनाएं हुई उसके वजह से हमारा पृथ्वी का निर्माण होता है, हमारे सोलर सिस्टम का निर्माण होता है। ठीक है, अब जब सोलर सिस्टम की बात करते हैं तो जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले हमारे ब्रह्मांड की बात करेंगे। ठीक है, हमारे ब्रह्मांड की बात करेंगे तो ये हमारे गैलेक्सी का क्या नाम है, हमारे गैलेक्सी का क्या नाम है, जल्दी से आप बताइएगा। हमारे गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे। क्या नाम है? मिल्की वे। और हमारे पड़ोस के गैलेक्सी का क्या नाम होता है? एंड्रोमीडा होता है। क्या होता है? एंड्रोमीडा हमारे पड़ोस के गैलेक्सी का नाम है। और ऐसे ऐसे बहुत सारे मिलियंस ऑफ गैलेक्सी हमारे आकाशगंगा में या फिर बोल सकते हैं क्या कि हमारे ब्रह्मांड में प्रेजेंट है। ठीक है, तो पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का क्या नाम है? पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम क्या, मतलब पृथ्वी के जैसा ही दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? तो वो शुक्र है। कौन है? शुक्र है। तो कहता है सुमेकर लेवी 9 धूम केतु किस ग्रह से टकराया था? तो ये बृहस्पति से टकराया था। किसे टकराया था? सुमेकर लेवी 9 धूम केतु किस ग्रह से टकराया था? तो ये बृहस्पति से टकराया था। आगे बात करें पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा होता है? ये कौन है? निकेल है। पृथ्वी के केंद्र में जब अर्थ के क्रस्ट की बात होती है तो अर्थ के क्रस्ट में जो नीचे सबसे ज्यादा नीचे जो कोर होता है उस कोर में पाया जाने वाला जो ग्रह है वो हमारा पाया जाने वाला जो मिनरल्स है वो हमारा कौन है? निकेल है। ठीक है, आगे बढ़े तो कहता है रेडियो संचार में प्रेशन एंटेना द्वारा उत्सर्जित संकेत प्रतिबिंबित कहां होते हैं? तो ये हमारा होता है क्षोभ मंडल पर। कहां होता है? क्षोभ मंडल पर होता है। ठीक है, या फिर सीधा सीधा बोलते हैं क्या कि हमारे अर्थ का जितना भी सैटेलाइट, जो ह्यूमन सैटेलाइट होता है वो कहां संचारित किया जाता है, वो कहां पे लगाया जाता है? तो वो हमारे आयनोस्फीयर में होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल की बात करते हैं। ठीक है, आगे बढ़े तो हम क्या देखते हैं कि 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहां पर होगी? 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहां पर होगी? तो ये कर्क रेखा पर होगी। कहां पर होगी? कर्क रेखा पर होगी। तो जब कर्क रेखा की बात करते हैं हम लोग तो कर्क रेखा में हम लोग क्या देखते हैं कि भारत के कुछ राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अब उसमें से हम बात करते हैं, जब कुछ राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है तो इसमें हम क्या देखते हैं कि कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो ये 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है भारत के
आठ राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी कहते हैं। और कर्क रेखा का अगर हम लाइन बताएं तो ये हमारा 23 and half degree नॉर्थ होता है। कितना होता है? 23.5 degree नॉर्थ होता है, 23.5 degree उत्तर की ओर होता है। ठीक है, तो अब आठ राज्यों की बात करें तो आठ राज्यों में सबसे पहले तो आपका गुजरात आएगा। कौन आएगा? गुजरात आएगा। गुजरात के बाद राजस्थान आता है, राजस्थान के बाद एमपी आएगा, एमपी के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, झारखंड के बाद डब्ल्यू वी वेस्ट बंगाल आ जाएगा, फिर आपका कौन आ जाएगा? त्रिपुरा और मिजोरम, त्रिपुरा और मिजोरम आ जाएगा। ठीक है, त्रिपुरा और मिजोरम आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। आगे बात कर ले तो हमारा अगला है उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलन का क्या कारण है। तो ये हमारा है एलुशियन द्वीप, एलुशियन द्वीप समूह के वजह से ऐसा देखने को मिलता है, एलुशियन द्वीप के वजह से ऐसा देखने को मिलता है, महासागर के तिथि रेखा में विचलन का कारण होता है। ठीक है, आगे बढ़े तो अंतरराष्ट्रीय महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट कैस्क्यूशो, कैस्यूस्को। क्या है? माउंट कॉस्यूस्को, माउंट कॉस्यूस्को। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? माउंट कॉस्यूस्को है। और अगर पूरे वर्ल्ड के सबसे ऊंचे पीक की बात करेंगे, वर्ल्ड के ऊंचे हाईएस्ट पीक की बात करें, तो हाईएस्ट पीक में आपको कौन सा देखने को मिल जाता है? माउंट एवरेस्ट देखने को मिल जाता है। क्या देखने को मिल जाएगा? माउंट एवरेस्ट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हाईएस्ट पीक की बात हो गई। अब आगे बात करें किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं, तो ये हमारा अफ्रीका है। किसको कहते हैं? अफ्रीका को कहते हैं। ठीक है, जल्दी से आगे बढ़िए, आगे आप फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। ठीक है, ठीक है, तो आगे बढ़े तो आगे जब बात करते हैं एशिया महाद्वीप का, एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है, तो एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर अभी कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। अभी बताया कि माउंट एवरेस्ट है। आगे बात करें महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी के उच्चवाच है, महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी के उच्चवाच है, तो ये प्रथम श्रेणी के हैं। किसके आते हैं? प्रथम श्रेणी के उच्चवाच है। आगे बात कर ले तो आगे हमारा क्या देखने को मिलता है? प्लेट विवर्तीकरण या विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये कौन है? हमारे हैरी हैस हैं। कौन है? हैरी हैस हैं, जिन्होंने प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। कहता है संपूर्ण महासागरीय क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीप मगन तट का विस्तार है? तो ये 7.5% का है। कितना है? 7.5% का है। आगे बात करें विश्व के सबसे लंबे जलमग्न कैनियन कहां पाए जाते हैं? सबसे लंबे कैनियन, कैनियन जो कि एक तरह से पहाड़ होते हैं, और जो वो पहाड़ जो है ना, एक तरह से बोल सकते हैं क्या कि बहुत ही तेज चलने वाली हवाओं के वजह से वो टूट टूट कर एक नुकीला सा आकार बना लेता है, वो हमारा कैनियन कहलाता है। और उसका एक बहुत ही पतला पतला रास्ता होता है, वो हमारा कैनियन कहलाता है। और समुद्र के अंदर जब बहुत ही तेज पानी की लहरें पड़ती है उस पहाड़ के ऊपर, तो वो बहुत ही छोटा सा टूट टूट करके हो जाता है, एक नुकीला सा आकार बना लेता है और छोटे छोटे गलियारों जैसे बन जाते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कैनियन कहते हैं। तो ये हमारा है बेरिंग सागर में। कहां पे है? बेरिंग सागर में है। इसी के साथ जब बेरिंग सागर की बात हो रही होगी तो एक सी के बारे में आपको हम बताते हैं, अराल सी। किसके बारे में? अराल सी की बात करें तो अराल सी की स्थिति आज के समय में बहुत ही ज्यादा दयनीय है, ये बहुत ही तेजी से सूखते चला जा रहा है। तो ये सूखने के पीछे बहुत बड़ी बहुत बड़ा कारण भी है, तो ये हम लोग किसी और दिन के क्लास में बहुत ही डिटेल से बात करेंगे कि अराल सी क्यों सूखता चला जा रहा है और इसके पीछे का कारण क्या है, जिसको हम लोग अराल सी को डेड सी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डेड सी भी कहते हैं। ठीक है, आगे बात कर ले तो कहता है बेसाल्ट,
क्या कहते हैं, बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप किस चट्टान का निर्माण होता है? तो ये होता है एम्फीबोलाइट। क्या होता है? एम्फीबोलाइट। क्या होता है? एम्फीबोलाइट का होता है। किस देश के में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्र तरंगों की सुनामी कहते हैं? ठीक है, मतलब क्या कि सुनामी को कौन नाम दिया, सुनामी नाम कौन दिया? तो आपको पता होगा कि जापान जो है ना बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव जोन है वो भूकंप के लिए। वहां पे सबसे ज्यादा भूकंप आता है कहां पे? जापान में आता है। तो जापान वाले लोगों ने ही कि समंदर से उठने वाली पानी की बहुत ही तेज लहरें जो कि भूकंप की वजह से उठती है तो उसको वो लोग क्या बोल दिया, वो सुनामी है। ठीक है, क्या है? सुनामी। और जब भूकंप की बात करते हैं या फिर सुनामी की बात करते हैं तो ये क्या होता है ना कि समंदर के क्षेत्र में बनने वाले निम्न दबाव, समंदर के एरिया में बनने वाले निम्न दबाव के वजह से क्या देखने को मिलता है, भूकंप देखने को मिलता है। तो जब निम्न दबाव बनता है तो ये क्या होता है कि ऊपर वाला जगह, ये नीचे वाला जगह खाली हो जाता है और जब इसमें पानी भरेगा तो ये ऊपर वाला पानी जो है ना नीचे की ओर जाएगा, सॉरी ऊपर की ओर जाएगा, नीचे वाला पानी कहां जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा। तो जब ये ऊपर की ओर जाएगा तो ऊपर वाले सतह पर बहुत ही जोर से धक्का मारेगा। तो जब धक्का मारेगा तो कहीं ना कहीं पानी के अंदर जो वेव होगा वो बहुत ही ज्यादा हो जाएगा और ये वेव बहुत ही तेज हो जाता है। ठीक है, बहुत ही तेज हो जाता है और समुद्र तट से जाकर जब ये लगती है तो बहुत ही भयावह स्थिति ले लेती है, ये सुनामी का रूप ले लेती है। ठीक है, ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। आगे बात करें तो भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित प्रत्शास्त्र पुन संचलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो ये रीड है। कौन है? रीड है। एयरबस ज्वालामुखी कहां स्थित है? एयरबस ज्वालामुखी कहां स्थित है? तो ये अंटार्कटिका में है, अंटार्कटिक में है। कहां पे है? अंटार्कटिक महाद्वीप में है एयरबस ज्वालामुखी। कहां है? एयरबस ज्वालामुखी। आगे बात करें पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत शैल क्या कहलाता है? पृथ्वी के नीचे जो द्रवीभूत शैल होता है या फिर एक तरह से बोल सकते हैं कि जलता हुआ जो आग होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको मैग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्मा कहते हैं। और यही मैग्मा जब किसी ज्वालामुखी से फटकर वो नीचे की ओर गिर जाए, कहां गिर जाए? नीचे की ओर गिर जाए तो इसी को हम लोग लावा कहते हैं। क्या कहते हैं? लावा कहते हैं। ठीक है, आगे बात करें तो कहता है क्या कि दक्षिणी अल्प्स पर्वत श्रेणी कहां स्थित है? दक्षिणी अल्प्स पर्वत कहां स्थित है? तो ये न्यूजीलैंड के अंदर है। कहां पे है? न्यूजीलैंड के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, आगे बात कर ले तो कहता है तकाला मकान मरुभूमि किस देश में स्थित है? तकाला मकान मरुभूमि किस देश में स्थित है? तो वो चीन में है। तकाला मकान मरुभूमि कहां स्थित है? तो वो चीन के अंदर है। अब कहते हैं यू आकार की घाटी कहां पाई जाती है? यू आकार की घाटी, कौन सी आकार की घाटी? यू आकार की घाटी कहां पाई जाती है? तो हिमानी क्षेत्रों में पाई जाती है। हिमानी क्षेत्र का मतलब ऐसा क्षेत्र जहां पे बहुत सारे बर्फ से घिरे हुए क्षेत्र होंगे उसको क्या कहते हैं? यू आकार की कहते हैं। और जब ये यू आकार का बनाता है तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक तरह से बोल सकते हैं क्या, ये हिमानी क्षेत्र के अंदर आते हैं। ठीक है, आगे बात करें सिफ का निर्माण किससे होता है? सिफ का निर्माण किससे होता है? तो हवा से होता है, पवन से होता है। ठीक है, आगे बात करें पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? ठीक है, तो कितना पाया जाता है? 97%। कितना? 97%। ठीक है, कितना? 97%। आगे बात करें वायु दाब कब सर्वाधिक होता है? वायु दाब कब सर्वाधिक होता है? और जब वायु होती है तो क्या होती है? ठंडी तथा शुष्क होती है। वायु दाब सर्वाधिक होती है कब? जब वायु होती है क्या होती है? ठंडी और शुष्क होती है, तब वायु दाब जो है ना सबसे ज्यादा सर्वाधिक देखने को मिल जाता है। आगे देखेंगे प्रति चक्रवात, क्या कहते हैं? प्रति चक्रवात में वायु दाब कहां अधिक होता है? तो ये केंद्र में होता है। कहां होता है? केंद्र के अंदर होता है। ठीक है, आगे बात करें तो आगे देखते हैं किस प्रकार की वर्षा बिजली की चमक एवं बादलों की गरज के साथ होती है? किस प्रकार की वर्षा बिजली के चमक और क्या बोल सकते हैं, बिजली की चमक और चमक और बादलों की गरज के साथ होती है, मतलब थंडर स्ट्रॉम और क्लाउड का कॉलिजन दोनों एक साथ होता है, उसके वजह से क्या होता है? संवहनीय वर्षा होती है। क्या होती है? संवहनीय वर्षा होती है। आगे देखेंगे विक्टोरिया झील कहां अवस्थित है? ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। ये विक्टोरिया झील कहां अवस्थित है? ये पूर्वी अफ्रीका में है। कहां पे है? पूर्वी अफ्रीका में है। पृथ्वी पर समुद्र तल से सर्वाधिक नीची झील कौन सी है? ये मृत सागर है। कौन सा है? मृत सागर है, मतलब ये लो लैंड के अंदर आता है। कौन से लैंड के अंदर आता है? लो लैंड के अंदर आता है। ठीक है, लो लैंड के अंदर आएगा। आगे बात करें एंजल जलप्रपात
किस नदी पर स्थित है, तो ये किसके कौन से नदी के ऊपर है, और इनुको नदी के ऊपर है कौन सा, एंजेल जलप्रपात। ठीक है, आगे बात करें विश्व की सबसे बड़ी जहां जहाज रानी नहर कौन सी है, विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी कौन सी है, स्वेज नहर है। ये कहां है, ये क्या है, स्वेज नहर है। विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर कौन सी है, जहाज स्वेज नहर है। ठीक है, तो जब स्वेज नहर की बात करते हैं तो स्वेज नहर कहां पाया जाता है, ये इजिप्ट में पाया जाता है। कहां पाया जाता है, इजिप्ट में। ठीक है, इजिप्ट में स्वेज नहर का निर्माण किया गया है। वर्ष 2000 से 2005 की अवधि में वन क्षेत्र का सर्वाधिक छास जहां देखा गया है वह कौन सा देश है, यह है इंडोनेशिया। कहां है, इंडोनेशिया है। दक्षिणी अमेरिका में शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहा जाता है, मतलब क्या कि दक्षिणी अमेरिका में घास के मैदान को क्या कहा जाता है, यह बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस क्षेत्र में कौन से घास के मैदान को क्या कहा जाता है। यह हमारा क्या है, पेम्पा। क्या है, पेम्पा कहा जाता है। कहां पे, दक्षिणी अमेरिका के अंदर शीतोष्ण घास के मैदान को, या फिर बोल सकते हैं घास के मैदान को क्या कहा जाता है, पेम्पा कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़े तो कहता है जॉर्डन और इजराइल के मध्य कौन सा सागर है, जॉर्डन और इजराइल के मध्य जो है वो मृत सागर है। जॉर्डन और इजराइल के मध्य कौन सा सागर है, मृत सागर है। अब मृत सागर की बात करते हैं तो जब आप बात करेंगे तो ये जो है ना, एक तरह से बोला जाता है कि इसमें इंसान डूबता नहीं है, कितना भी आप डूबने की कोशिश करो डूबिएगा नहीं। क्यों नहीं डूब सकते हैं, क्योंकि इस मृत सागर के अंदर सॉल्ट का जो प्रेजेंट है ना वो बहुत ही ज्यादा है, नमक की मात्रा बहुत ही ज्यादा होती है, जिसके वजह से क्या हो जाता है, इसका घनत्व, इसकी डेंसिटी बढ़ जाती है, जिसमें इंसान डूब नहीं सकता है। ठीक है, तो आगे बात करें तो सरगाशो समुद्र किस महासागर में स्थित है, सरगाशो महासमुद्र किस महासागर में स्थित है, ये तो अटलांटिक महासागर के अंदर है। कहां है, अटलांटिक महासागर। अब बात करें रेनेल जलधारा किस महासागर की जलधारा है, तो यह है अटलांटिक महासागर। कौन सी है, अटलांटिक महासागर की है। आगे बात करेंगे गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति कहां से होती है, तो गल्फ स्ट्रीम की बात करते हैं तो सीधा सीधा गल्फ की बात जैसे सुनेंगे, गल्फ स्ट्रीम की बात सुनेंगे तो ये मैक्सिको की खाड़ी होती है। कहां पे होती है, मैक्सिको की खाड़ी में होती है, गल्फ स्ट्रीम की बात जब करते हैं। आगे देखेंगे दैनिक ज्वार भाटा के मध्य समानांतर क्या होता है, तो दैनिक ज्वार भाटा के मध्य समानांतर क्या होता है, तो ये 24 घंटे 52 मिनट। क्या होता है, 24 घंटे 52 मिनट का होता है, तो एक बार ज्वार ऊपर तो एक बार ज्वार नीचे, जिसको हम लोग ज्वार भाटा कहते हैं। ठीक है, गंगा नदी का डेल्टा किस प्रकार है, ठीक है, तो गंगा नदी का डेल्टा किस प्रकार का है, तो ये क्या है आपका, चापाकार है। कैसा है, चापाकार है। और अगर हम बात करेंगे कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किस नदी के द्वारा बनता है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किस नदी के द्वारा बनता है, तो वो नदी कौन सा हो जाएगा, कौन सी नदी हो जाएगी, जल्दी से बताइएगा आप लोग कि कौन सी नदी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी गंगा। कौन हो जाएगी, गंगा हो जाएगी। और कहां पे बनता है, तो ये पश्चिम बंगाल, कहां बनता है, पश्चिम बंगाल और वेस्ट और बांग्लादेश के अंदर, कहां बनता है, और बांग्लादेश के अंदर। आगे बात करें हांगहो नदी किस में गिरती है, तो हांगहो नदी पीला सागर में गिरती है। हांगहो नदी किस में गिरती है, तो पीली सागर में गिरती है। ठीक है, आगे बात करें चीन का शोक किस नदी का के लिए प्रयोग किया जाता है, हांगहो नदी को चीन का शोक नदी कहा जाता है। इसी के साथ आप ये बताइएगा कि बिहार का शोक नदी किसे कहते हैं, बिहार का शोक नदी किसे कहते हैं, तो यह बहुत ही हल्का सा क्वेश्चन हो जाता है। बिहार का शोक किसे कहते हैं, कोसी को कहते हैं। साथ साथ में आप ये भी बताइएगा कमेंट में कि बंगाल का शोक किसे कहते हैं, बंगाल का शोक किसे कहते हैं, जल्दी से बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि बंगाल का शोक नदी किसे कहते हैं, तो बंगाल का शोक नदी दामोदर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, दामोदर को कहा जाता है। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं
तो हमारा अगला पॉइंट है कि विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है। मतलब क्या कि ऐसा कौन सा नदी है जो कि विश्व में सबसे ज्यादा ट्रेड उस नदी से किया जाता है और सबसे बिजिएस्ट रूट है, तो वो कौन सा है? हमारा राइन रिवर है। कौन है? राइन रिवर है। साथ साथ में आगे देखें तो विश्व में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो सबसे ऊंचा बांध तजाकिस्तान के अंदर है। विश्व का सबसे ऊंचा बांध कहाँ है? तजाकिस्तान के अंदर है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? रोग वनस्की कहते हैं। क्या कहते हैं? रोग वनस्की कहते हैं। आगे बात करें पेरिस शहर, कहाँ? पेरिस शहर किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो ये सीन नदी के तट पर अवस्थित है। किस नदी के ऊपर है? सीन नदी के तट पर अवस्थित है। और अगर हम इंग्लैंड की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? इंग्लैंड की बात करेंगे, तो ये किस नदी के तट पर अवस्थित है? जल्दी से आप फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा कि इंग्लैंड जो है वो किस नदी के तट पर अवस्थित है। तो ये टेम्स है। कौन सा है? टेम्स। टेम्स नदी के तट पर अवस्थित है। आगे बात करें फ्रांस की बोर्डो बंदरगाह किस नदी के तट पर स्थित है? तो गेरून। ये बंदरगाह से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कि कौन से राज्य का सबसे ज्यादा कौन इंपॉर्टेंट बंदरगाह है, इसके बारे में बात जब की जाएगी तो ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, आगे बात करें जमशेदपुर शहर किन नदियों के संगम पर बसा हुआ है? जमशेदपुर शहर जो कि हमारे झारखंड में, कहाँ? झारखंड में है। तो झारखंड में जमशेदपुर शहर जो है ना वो किस नदी पर बसा हुआ है? तो स्वर्णरेखा और खरकई, स्वर्णरेखा और खरकई नदी के संगम पर बसा हुआ है। आगे बात करें प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति में, प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति से संबंधित हिमानी नियंत्रण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये डेली है। कौन है? डेली है। तटीय प्रवाल भित्ति एवं स्थल खंड, तटीय प्रवाल भित्ति एवं स्थल खंड के बीच विकसित होने वाले लैगून को क्या कहा जाता है? तट प्रवाल और भित्ति के स्थल पर स्थल खंड के बीच में विकसित होने वाले लैगून को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? बोट चैनल कहते हैं। क्या कहते हैं? बोट चैनल कहते हैं। आगे देखें तो विश्व में सर्वाधिक लवणता किस झील में पाई जाती है? मतलब सॉल्टिफिकेशन या फिर सॉल्ट जो है ना सबसे ज्यादा विश्व के किस झील में पाया जाता है? तो हमारा कौन हो जाएगा? वॉन झील हो जाएगा। कौन हो जाएगा? वॉन झील हो जाएगा। विश्व के किस झील में सबसे ज्यादा, विश्व के किस झील में सबसे ज्यादा लवणीकरण पाया जाता है? तो हमारा कौन होगा? वॉन झील होगा। ठीक है, आगे बात करें मानसूनी प्रदेशों में सर्वाधिक वर्षा कहां होती है? तो मानसूनी प्रदेशों में सबसे सर्वाधिक वर्षा कहां होती है? पूर्वोत्तर भारत में होती है। कहां होती है? पूर्वोत्तर भारत में होती है। और पूर्वोत्तर भारत में भी कहां? मेघालय के मानसीराम में होता है। ठीक है, आगे बढ़े तो रबड़ किस प्राकृतिक प्रदेश की उपज है? तो रबड़ जो है ना ये विषुवतीय प्रदेश का उपज है। अब विषुवतीय प्रदेश की जब उपज की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा कहां पे हो सकता है? तो जब हम ये हमारा क्या, ठीक है, अगर हम ये अर्थ की बात करें, किसकी बात करेंगे? अर्थ की बात करेंगे तो अर्थ में जो इक्वेटर है ये हमारा जीरो डिग्री है, ये वाला लाइन हमारा क्या कहलाता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहलाता है। क्या कहलाता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। और नीचे वाला जो लाइन है ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन कहलाता है। क्या कहलाता है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन कहलाता है। ये साढ़े तेईस डिग्री साउथ हो जाएगा और ये वाला जो लाइन होगा 23.5 डिग्री नॉर्थ हो जाएगा। लेकिन जब विषुवतीय रेखा की बात होगी तो ये हमारा क्या हो गया? इक्वेटर हो गया। ये लाइन क्या हो गया? इक्वेटर हो गया। तो जब इक्वेटर की बात होगी तो ये वाला जो लाइन है इसके आसपास जितने भी पाए जाने वाले प्रदेश होंगे यहां पर सबसे ज्यादा रबड़ की खेती देखने को मिलेगी, सबसे ज्यादा रबड़ की खेती देखने को मिलेगी। इसलिए हमारे केरला साइड की जब बात करते हैं, क्योंकि भारत कुछ इस तरह से है यहाँ पे, तो जब केरला साइड की बात होगा या साउथ इंडिया की बात होगा तो यहाँ पे सबसे ज्यादा रबड़ की खेती देखने को मिल जाती है। ठीक है, आगे बात करेंगे तो दक्षिणी अमेरिका का मध्य चिली किसका उदाहरण है? दक्षिणी अमेरिका का मध्य चिली किसका उदाहरण है? यह भूमध्य सागरीय प्रदेश का उदाहरण है। किसका है? भूमध्य सागरीय प्रदेश का उदाहरण है। उष्ण मानसूनी प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार कहां पर है? उष्ण मानसूनी प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार कहां पे है? ये एशिया के अंदर है। मतलब एशिया के बहुत सारे देश ऐसे हैं जिसका क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा होता है? मानसूनी होता है। कैसा होता है? मानसूनी होता है। आगे बात करें कांगो घाटी में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो कांगो घाटी में किस प्रकार की जलवायु पाई जाएगी? विषुवतीय पाई जाएगी, क्योंकि ये विषुवत रेखा के बहुत ही नजदीक पाया जाता है, बहुत बहुत ही नजदीक पाया जाता है। या इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं? इसका जो क्लाइमेट होगा वो विषुवतीय होगा। मतलब क्या कि दिन के समय बहुत
बहुत ही तेज गर्मी पड़ेगी और शाम के समय यहाँ पे बारिश होना तय है। ये विषुवतीय रेखा का उदाहरण होता है और जितना भी ज्यादा घना फॉरेस्ट होता है, जितना भी घना जंगल होता है, वो सब विषुवतीय रेखा के अंदर होते हैं, हरे भरे जंगल। जैसे आप बात करते हैं अमेजॉन जंगल की, तो अमेजॉन जंगल क्या है, बहुत ही ज्यादा घना जंगल है। क्यों? क्योंकि ये विषुवतीय जोन के अंदर आता है, यहाँ वर्षा कंटिन्यू होते रहती है, जिसकी वजह से पेड़ बहुत ही अच्छे तरीके से फल फूल सकते हैं। आगे बात करेंगे मानसूनी प्रदेश को क्या कहा जाता है। मानसूनी प्रदेश को वृद्धशील प्रदेश कहते हैं। क्या कहते हैं? वृद्धशील प्रदेश कहते हैं। आगे बात करें विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है। तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। कौन है? चीन है। आगे बात करें दक्षिण पूर्व एशिया में रबर किस स्थान से लाया गया है, तो यह अमेजॉन बेसिन से लाया गया है। कहां से लाया गया? अमेजॉन बेसिन से। अभी जस्ट मैंने आपको बताया भी कि अमेजॉन बेसिन बहुत ही बड़ा विषुवतीय जंगल का एक उदाहरण है, जहां पर रबर की खेती बहुत ही ज्यादा देखने को मिल जाती है। ठीक है, आगे बात करें और अमेजॉन बेसिन सबसे ज्यादा जो पाया जाता है वो ब्राजील के अंदर। कहां पे? ब्राजील के अंदर पाया जाता है, ये याद रखना आपको। विश्व का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक देश कौन है, तो वो चीन है। मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन होगा? चीन होगा, ये चीज आपको याद रखना है। अब आगे बात करें इजमीर की घाटी जो अफ्रीम की कृषि या फिर अफीम जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं? अफीम। ठीक है, अफीम की कृषि के लिए प्रसिद्ध है, किस देश में स्थित है? ये टर्की के अंदर है। कहां पे है? टर्की के अंदर है। अफीम की खेती, सबसे ज्यादा अफीम की खेती के लिए प्रसिद्ध जगह कहां है? टर्की है, तो टर्की में देखने को मिलता है। विश्व में कपास की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश में पाया जाता है, तो कपास की खेती सबसे ज्यादा कहां मिलती है आपको? भारत के अंदर देखने को मिलती है। अच्छा, आप जब भारत के अंदर की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा भारत में जूट की खेती कहां होती है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट आंसर दीजिएगा कि जूट की खेती सबसे ज्यादा कहां होती है। आगे बात करें चाय के निर्यात में भारत को किस देश की कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है, तो वो कौन है? श्रीलंका, क्योंकि श्रीलंका भी बहुत ही ज्यादा चाय के लिए फेमस है, तो यहां भी बहुत ज्यादा चाय की खेती देखने को मिल जाती है। ठीक है, आगे बात करें तो ट्रक फार्मिंग का अभिप्राय क्या है। ट्रक फार्मिंग का अभिप्राय है बागवानी से। किससे है? बागवानी कृषि से है। ठीक है, आगे बात करें सघन खेती के लिए खेतिहार क्षेत्र किस तरह का होना चाहिए, संचित होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? संचित होना चाहिए। आगे बात करें तो संसार में तांबे का अग्रिम उत्पादक कौन सा देश है। संसार में सबसे ज्यादा तांबे का अगर कोई उत्पादन करता है तो वो कौन है? अमेरिका है। कौन है? अमेरिका है। सबसे ज्यादा तांबे का उत्पादन कौन करता है? अमेरिका करता है। आगे बात करें हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है, एंटवर्प है। कौन है? एंटवर्प में, जहां पे एंटवर्प में सबसे ज्यादा हीरे का उत्पादन किया जाता है और हीरे का व्यापार भी किया जाता है। आगे बात करें विश्व का बृहत्तम मत्स्य आहरण क्षेत्र कौन सा है, ये ग्रैंड बैंक है। कौन है? ग्रैंड बैंक है। आगे बात करें विश्व किसी प्रदेश की कुल जनसंख्या तथा कुल कृषि का क्षेत्र का अनुपात क्या कहलाता है, यह कार्यायिक घनत्व कहलाता है। क्या कहलाता है? कार्यायिक घनत्व कहलाता है। आगे बात करें पश्चिमी गोलार्ध में स्थित जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है, संयुक्त राज्य अमेरिका है। मतलब पश्चिमी की तरफ बात करें, किधर की और बात करें, पश्चिम की तरफ जब बात करेंगे तो पश्चिम की तरफ सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है वो अमेरिका के पास है, और अगर पूरे विश्व की बात करेंगे तो रिसेंट में ही हमारा भारत जो है जनसंख्या के मामले में सबसे ऊपर पे आ गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, तो ये नाइजीरिया है। कौन सा है? नाइजीरिया है। अफ्रीका महाद्वीप की बात की जा रही है। कहां की बात की जा रही है? अफ्रीका महाद्वीप की बात की जा रही है। और अगर अफ्रीका महाद्वीप में आपसे यह पूछा जाए कि अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ज्यादा जनसंख्या किस देश के पास है, तो वो नाइजीरिया के पास है। किसके पास है? नाइजीरिया के पास है। जनसंख्या वृद्धि का सर्वाधिक प्रतिशत जिस महाद्वीप के देशों में देखा गया है वो कौन सा देश है? वो कौन सा है? एशिया ही हो सकता है ना, क्योंकि एशिया के अंदर चाइना पड़ जाता है और इंडिया पड़ जाता है। ये दो देश ऐसे हैं जो वहां पे सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व देखने को मिल जाता है। ठीक है, आगे बात करें तो आगे क्या है, भारत एवं चीन वर्तमान में जनांकिकी संक्रमण किस अवस्था से गुजर रहा है, ये तृतीय अवस्था से गुजर रहा है। कितने अवस्था से? तृतीय अवस्था से गुजर रहा है। आगे बात करें सार्क देशों की बात करते हैं तो सार्क देशों में सबसे घना आबादी वाला देश कौन सा होगा, तो ये बांग्लादेश होगा। कौन होगा? बांग्लादेश होगा। ठीक है, आगे बात करें दक्षिण एशिया का सबसे घना बसा देश कौन सा है, तो ये भी बांग्लादेश है। ये भी कौन है हमारा? बांग्लादेश है। ठीक है, ये भी कौन है हमारा? बांग्लादेश है। ठीक है, आगे बात करें कि खिरगिज
कहां की घुमकड़ी जनजाति है, खिरगीज कहां की घुमकड़ी जनजाति है, तो खिरगीज जो है ये मध्य एशिया की घुमकड़ी जनजाति है। अगर आपसे पूछे आर्यंस कहां से आए थे, तो आर्यंस के बारे में आप बताइएगा कि कमेंट में कि आर्यंस कहां से आए थे, जिसके हम लोग वंशज कहलाते हैं। ठीक है, आगे बात करें कि विश्व के किस मरुस्थल में बुशमेन नामक चलवासी या जनजाति के लोग रहते हैं, यह हमारा कालहारी, कौन सा है, कालहारी, कौन है, कालहारी जनजाति। ठीक है, कालहारी जनजाति शिकार के लिए हारपून का प्रयोग के कौन सी जनजाति करती है, तो ये कौन सी करती है, एस्किमो करती है, कौन करती है, एस्किमो जनजाति जो है वो शिकार के लिए हारपून का इस्तेमाल करती है, किसका इस्तेमाल करती है, हारपून का। तो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि आप ये बताइए कि हारपून का इस्तेमाल शिकार के लिए कौन सी जनजाति करती है, तो ये कौन करती है, एस्किमो करती है, कौन करती है, एस्किमो करती है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो का प्राचीन नाम क्या था, तो इसकी प्राचीन नाम क्या है, क्रिस्टीना है, क्या है, क्रिस्टीना है। और अगर आपसे ग्रीनलैंड, ग्रीन लैंड के कैपिटल की बात की जाए, तो ग्रीनलैंड के कैपिटल का क्या हो जाएगा, नूक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नूक हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करें जायरे का आधुनिक नाम क्या है, तो जायरे का आधुनिक नाम कांगो रिपब्लिक है, क्या है, कांगो रिपब्लिक है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, तो हम लोग क्या देखते हैं, बोत्सवाना का प्राचीन नाम क्या है, तो बोत्सवाना लैंड का प्राचीन नाम है बेचुआना लैंड, क्या है, बेचुआना लैंड है, क्या नाम है, बेचुआना लैंड है। आगे बात करें किस देश का प्राचीन नाम रोमाशा है, तो रोमाशा प्राचीन नाम ताइवान का है, किसका है, ताइवान का है। और ताइवान सबसे ज्यादा फेमस होता है सेमी कंडक्टर के लिए, किसके लिए फेमस है, सेमी कंडक्टर के लिए, जो कि हमारे और आपके मोबाइलों में जो चिप के फॉर्म में होता है ना, सेमी कंडक्टर के फॉर्म में, वो ताइवान सबसे ज्यादा इसके लिए प्रचलित है। आगे बात करेंगे एशिया का प्रवेश द्वार कौन सा देश कहलाता है, तो एशिया का प्रवेश द्वार तुर्की कहलाता है, कौन कहलाता है, तुर्की कहलाता है। आगे बात कर ले हॉर्न ऑफ अफ्रीका में, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल किए जाने वाला कौन सा देश है, तो ये इथोपिया है, सोमालिया है और जिबूती है, कौन है, जिबूती है। अच्छा ये बताइएगा कि सोमालिया किस लिए प्रचलित है, सोमालिया किस लिए प्रचलित है, तो सोमालिया जो है वो समुद्री लुटेरों के लिए प्रचलित है, सोमालिया किसके लिए प्रचलित है, समुद्री लुटेरों के लिए प्रचलित है। आगे बात करें कौन सा देश प्यासी भूमि का देश कहलाता है, तो ऑस्ट्रेलिया कहलाता है। अगर ऑस्ट्रेलिया के मैप की बात करेंगे, तो ऑस्ट्रेलिया के जितने भी तटीय इलाके हैं, यही घनी आबादी वाले इलाके हैं, या फिर यहीं पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन रहते हैं, बाकी वाला जो पूरा बीच का एरिया है ऑस्ट्रेलिया का, ये पूरा का पूरा मरुस्थल है, क्या है, मरुस्थल है, जो कि बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, तो ये हमारा इसलिए ये प्यासी भूमि कहलाती है। आगे बात करें यूरोप के किस देश को लघु यूरोप कहा जाता है, तो लघु यूरोप किसको कहा जाता है, फ्रांस को कहा जाता है। आगे बात करें स्वप्निल मीनारों वाला शहर के उपनाम से कौन सा नगर जाना जाता है, तो ये ऑक्सफोर्ड है, कौन है, ऑक्सफोर्ड है। ऑक्सफोर्ड को किस नाम से जाना जाता है, स्वप्निल के शहर के नाम से जाना जाता है, किस नाम से, स्वप्निल के नाम से जाना जाता है। आगे बात कर ले तो आगे क्या देखते हैं कि निस शहर के नाम से जाना कौन जाना जाता है, निस शहर के नाम से, तो ल्हासा, कौन जाना जाता है, ल्हासा। तो ल्हासा है कहां, ये आप जल्दी से बताइएगा कमेंट में कि ल्हासा कहां है, तो ल्हासा कहां है, चाइना के अंदर में है। ठीक है, आगे बात करें किस शहर को पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता है, तो सिंगापुर को, किसको कहा जाता है, सिंगापुर को पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता है। उधर से आप बहुत ही आसानी तरीके से सिंगापुर, सिंगापुर से थाईलैंड, थाईलैंड से म्यांमार, कंबोडिया, उधर से होते हुए आप भारत की तरफ प्रवेश कर सकते हैं। ठीक है, फिर इधर से होते हुए आप पाकिस्तान, अफगानिस्तान होते हुए पूरा सेंट्रल एशिया घूमते हुए आप फिर यूरोप में जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक वो हो गया। ब्राजील का मैनचेस्टर कौन कहलाता है, तो ब्राजील का मैनचेस्टर साओ पालो कहलाता है, कौन कहलाता है, साओ पालो कहलाता है। आगे बात करें इंग्लैंड का बगीचा कौन कहलाता है, तो इंग्लैंड का बगीचा कैंट है, इंग्लैंड का बगीचा कौन है, कैंट है। आगे बात कर ले दक्षिण पूर्व एशिया का स्थल अवरुद्ध देश कौन सा है, तो ये भी ये कौन है हमारा, लाओस है, कौन है, लाओस है। आगे बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक, या क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू आवेश में देश, या फिर लैंड लॉक्ड कंट्री कौन सा है, तो सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड कंट्री कौन है, मंगोलिया है, कौन है, मंगोलिया, चंगेज खान का बर्थ प्लेस, या फिर चंगेज खान की कंट्री। अब मंगोलिया के अगर हम बात करेंगे, तो यह हमारा रशिया है, नीचे साइड हमारा क्या है,
चाइना है, तो यहीं पे मंगोलिया है, यहीं पे क्या है हमारा मंगोलिया है। तो एक साइड से रशिया का बॉर्डर लगता है, एक साइड से चाइना का बॉर्डर लगता है, और ये पूरा का लैंड लॉक्ड कंट्री है। क्या है हमारा? लैंड लॉक्ड कंट्री है। लैंड लॉक्ड कंट्री का मतलब ये होता है कि जहां पर कोई भी, मतलब जो है ना, ऐसा कंट्री जहां जो कि किसी भी समंदर के साथ अपना बाउंड्री शेयर नहीं करता हो, या फिर कोई भी समंदर उसके पास ना हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? लैंड लॉक्ड कंट्री कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आज का 101 लाइनर हो गया। उम्मीद है कि आपको ये सारे के सारे वन लाइनर बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, और आज मैं आपका छोटा भाई आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश कर पाया हूंगा। हो सकता है कि अगर कुछ भूल चूक हुई होगी तो मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन मैंने अपनी पूरी कोशिश करी है कि आपको पूरा का पूरा वन लाइनर बहुत ही अच्छे तरीके से ज्योग्राफी का समझ में आ जाए, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, अगर आप ऐसे ही करके वन लाइनर हमारे साथ और भी 4-5 दिन का जो वन लाइनर है उसको अगर कंप्लीट कीजिएगा ज्योग्राफी का, तो कहीं ना कहीं उम्मीद ये है कि ज्योग्राफी के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आपके इन्हीं वन लाइनर में से क्वेश्चंस आ जाएंगे। ठीक है, तो ये तो आज का हमारा क्लास रहा, और अगर आपको ये पूरा का पूरा क्लास समझ में आया होगा तो प्लीज हमें सपोर्ट कीजिएगा। और अगर आपको कुछ चाहिए तो ये हमारा व्हाट्सएप चैनल है, इस व्हाट्सएप चैनल पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं, आपको इन सारे चीजों का पूरा पीडीएफ भी मिल जाएगा, ताकि आप अपने से भी कुछ इसको सेल्फ स्टडी कर सके और बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सके। और ये हमारा ज्योग्राफी का वन लाइनर क्लास रहा। अगले दिन हमारा डे टू में भी क्या हो जाएगा? वन लाइनर, 100+ वन लाइनर रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा आज का पॉलिटी का क्लास, सॉरी ज्योग्राफी का क्लास रहा। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट, गुड बाय, हर हर महादेव।